इलाके में निगरानी रखी जा रही है। बहराइच के महसी इलाके में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालात को सामान्य करने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करने पाए, जल्द से जल्द हालात यहाँ पर सामान्य हों, इसको लेकर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। बहराइच के महसी इलाके में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है ताकि भ्रामक और तथ्यहीन खबरें ना फैलने पाए, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा ना बिगड़ने पाए, इस बात की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से यहाँ पर की जा रही है। और इसी क्रम में एक तो ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है ताकि हर एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके, और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवा को भी महसी में बंद कर दिया गया है। देवीपाटन रेंज के डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह और जो डिविजनल कमिश्नर हैं वो भी मौके पर हैं। वो खुद लाठी हेलमेट से लैस होकर मौके पर जा रहे हैं। ये सब अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जो कल हत्या हुई तो उसमें कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें क्या कार्रवाई? उसमें FIR पंजीकृत की गई है और उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो रही है। तो अभी जो हालात हैं वो कैसे हैं? टेंस है लेकिन यहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल है, हम लोग चीज़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं DIG इनका ये बात कहना है कि हाँ जरूर ये बात सही है कि माहौल थोड़ा टेंस है, लेकिन हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पर्याप्त फोर्स है और हम जो पूरे हालात हैं उसको काबू में कर रहे हैं। इस वक्त पर्याप्त फोर्स यहाँ पर आ गई है, लिहाजा अब धीरे धीरे जो पुलिस है वो एरिया डोमिनेशन में जुट गई है। जो सीनियर अफसर हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं, उन्होंने लीड ले ली है। जो DIG हैं और डिविजनल कमिश्नर हैं वो खुद मौके पर आ गए हैं और अब महसी तहसील की ओर पुलिस प्रशासन के लोग बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 बहराइच। और बहराइच में ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। ADG ने हंगामा कर रहे भीड़ को खदेड़ा है। इस दौरान ADG हाथ में पिस्टल लेकर उपद्रवियों को खदेड़ते हुए दिखाई दिए हैं। हाईवे किनारे के गांव और बाजारों में बवाल हो रहा था, इस दौरान ADG एक्शन में दिखाई दिए। तस्वीरें हम आपको अमिताभ यश की दिखा रहे हैं जो कि ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं। कानून व्यवस्था बनी रहे, हालात जल्द से जल्द सामान्य होने पाए, इसको लेकर वो खुद मौके पर मौजूद हैं। और जब उपद्रवी हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे तब आप देखिए कैसे हाथों में पिस्टल लेकर वो उनको खदेड़ते हुए नजर आए। उन्होंने हिदायत दी है कि कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। पुलिस हालात को सामान्य करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच लोगों से अपील की जा रही है कि वो कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश ना करें। और इसी क्रम में ADG लॉ एंड ऑर्डर खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ हिदायत दे रहे हैं कि आप कानून के साथ खिलवाड़ मत करिए। वहीं से लेकर बीजेपी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है वो भी आपको सुनवाते हैं। लेते हुए इस पर कड़ा एक्शन लिया है और सरकार पूरी जांच करा रही है। जो भी इसके पीछे दोषी हैं, जो इस घटना के पीछे हैं लोग, उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। और मेरा सभी पक्षों से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और सरकार पूरी तत्परता के साथ सक्रिय है और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। सजग है और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष संज्ञान में है सारा। उन्होंने संज्ञान लेते उस पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी दोषी हैं, जिन्होंने इस घटनाक्रम में जो लोग शामिल हैं उनके निश्चित ही जो घटना है उसमें जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी। सुशासन के मामले में हमारी सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाती है पूरे प्रदेश और देश में, तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जो जिस तरीके से बातें कर रहे हैं समाजवादी के लोग, थोड़ा ये भी देख लें कि जो उनके मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो आज INDA का हिस्सा हैं। उनके सहयोगी दलों की जिन राज्यों में सरकार है, चाहे झारखंड है चाहे कर्नाटक है, निरंतर उन राज्यों में सरकार होती है, उन सरकार में इतनी घटना उन सरकारों में हो रही है, तो उन पर भी थोड़ा ध्यान दें और इस मामले में राजनीति ना करें क्योंकि ये सरकार निश्चित ही दोषियों पर कार्रवाई करेगी।
तो तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से। कहा जा रहा है कि हमारी सरकार हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा कर रही है और इसके लिए हर संभव प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन एसपी और कांग्रेस ने बहराइच बवाल पर सरकार को घेरने की कोशिश की है, वो भी सुनिए। मंत्रियों का शगल बन गया है, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, मंत्रियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी, यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए, कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या लगी हुई है। अब बहराइच में कल जो घटना हुई है उसने पूरा जो रामनवमी का जो पर्व था जिसमें हम मंच पे देख रहे थे कि रामलीलाओं में हिंदू मुसलमान पात एक साथ किसी न किसी कैरेक्टर में सामने आ रहे थे, कोई रावण बने हुए थे, कोई राम जी बने हुए थे, कोई लक्ष्मण जी बने हुए थे और बहुत हर्ष उल्लास से इसका सेलिब्रेशन हो रहा था, लेकिन विसर्जन के दिन जो कुछ हुआ बहराइच में पूर्ण तरीके से शासन प्रशासन का फेल्योर है। और बहराइच में मृतक के अंतिम संस्कार को लेकर अपडेट आया है, प्रशासन के समझाने के बाद परिवार मान गया है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मृतक के अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हो गया है, इससे पहले परिवार अंतिम संस्कार से इनकार कर रहा था। परिवार की तरफ से कहा जा रहा था कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती है हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद थे, मृतक के परिजनों से हर संभव बातचीत की कोशिश की जा रही थी और अब ये जानकारी सामने आ रही कि बहराइच में मृतक का परिवार अंतिम संस्कार के लिए मान गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजन अब अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं, जो कि अभी तक अड़े हुए थे कि जब तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, ठोस कार्रवाई नहीं होती है, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। वहीं संजय निषाद ने कहा है कि उपद्रवियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए मैं मुख्यमंत्री से धन्यवाद दूंगा कि घटनाएं हैं उस सीधे संज्ञान में लेकर उस पर जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बहराइच की घटना पर दुख व्यक्त किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने पुलिस के कामकाज के तरीके पर भी सवाल खड़े किए। ये दर्दनाक भी बहुत दर्दनाक है और बहुत ही हृदय विदारक घटना है और जहाँ तक ये कि पुलिस का अगर पहले से ठीक से इंतजाम किया होता या उस पर ध्यान दिया होता तो घटना न घटती। ये सारे विषय तो बात के हैं, जांच के विषय हैं, कौन दोषी है, कितना दोषी है, जिम्मेदारी किसकी है, ये बात है। लेकिन आज मौजूदा स्थिति में इस घड़ी में केवल समाज के सभी वर्गों से राजनीति से ऊपर उठ करके मेरा विनम्र निवेदन है कि शांति और सद्भाव कायम करने में हर तरह का सहयोग दें। बहराइच बवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्ट किया है, उत्तर प्रदेश की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोई भी साजिश सफल नहीं होने दी जाएगी। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले एक बार फिर से सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हमें सतर्क और सजग रहना होगा। प्रदेश के उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दोषियों को कानून के दायरे में लाकर सख्त सजा दिलाई जाएगी और पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा। सभी नागरिकों से शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील करता हूँ। ये पोस्ट है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बहराइच में कल हुई हिंसा के बाद आज भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। आज भी गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, आगजनी, तोड़फोड़ की, लूटपाट हुई। पहले परिजनों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया था, लेकिन जिला प्रशासन और बीजेपी विधायक के समझाने के बाद परिजन शव के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए। इस बीच पुलिस ने इस हत्याकांड में 6 नामजद और 20 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं सुधांशु त्रिवेदी ने इसे लेकर इशारों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं।
ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है, ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। राज्यसभा सांसद सुधांशु द्विवेदी का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि बीते कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ गई हैं, वो कौन सी शक्तियां हैं जो ऐसी घटनाओं के पीछे हैं। इन सब के बीच मौके पर जो हालात बने हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों में अब भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मृतक रामगोपाल मिश्रा की हत्या के बाद से लोगों में आक्रोश है। पहले परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन मौके पर बीजेपी के विधायक पहुंचे, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की, उनको समझाया, जिसके बाद परिवार अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गया है। इन सब के बीच पुलिस की तरफ से अब तक जो कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। 6 ज्ञात और 20 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही साथ ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। महसी इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि हालात को जल्द से जल्द सामान्य किया जा सके। लेकिन थोड़ी देर पहले डीआईजी से हमारे सहयोगी ऋषभ मणि ने बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि हाँ, हालात तनावपूर्ण है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनाती की गई है ताकि आगे हालात किसी तरीके से ना बिगड़ने पाएँ। हम बहुत